Yeah, I'm Pam Vlogger. हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड अदर व्लॉग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो मैं अभी सो सो के उठा हूँ, बहुत नींद आई हुई थी। मैंने नमाज़ पढ़नी था, जुम्मे का दिन है तो मैंने सोचा यार नमाज़ पढ़ते हैं, जुम्मे आज ऊपर से जुम्मा भी पढ़ना है और नमाज़ पढ़ने के लिए उठ गया हूँ। आज बहुत दिन बाद जाके मैंने व्लॉग स्टार्ट किया क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पाँव खराब था, फ्रैक्चर हो गया था। उसके बाद 12-13 दिन मैंने रेस्ट किया, तकरीबन 26 दिन बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं और आज हमने जाना है हलवा पूड़ी खाने नार गली। तकरीबन तकरीबन 40 साल पुरानी दुकान है, बहुत मज़ा आएगा हलवा पूड़ी खाने का। तो ज़्यादा कमज़ोर भी होगा मैं, तो कोई बात नहीं, चलता रहता है ज़िंदगी में, ऐसा होता रहता है। उम्मीद है आप लोग खैरियत होंगे। तो आज का लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, अभी चलते हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा 2 घंटे रेस्ट करेंगे, उसके थोड़े दिन बाद 2 घंटे बाद दिन चढ़ जाएगा थोड़ा, तो फिर हम नाश्ता करने चलेंगे। नाश्ता करने के बाद चलेंगे तो वहाँ पर मिलते हैं आपको, फिर हम चलते हैं नमाज़ पढ़ने। नमाज़ करने के बाद मिलते हैं आपको बाहर। देख सकते हैं यार, पूरा अंधेरा हो गया इस टाइम यार, क्या सीन है। मतलब कहते हैं कि शुक्र में साया दो। बेसिकली यहाँ पे आपको पता है कि पूरी रात में दिन बंदा क्या करता रहे, तो देखते हैं आगे जाके वो लोग क्या बनते। अब मैं तो नमाज़ पढ़ने जा रहा हूँ, फुल अंधेरा है यार, फुल अंधेरा, बंदा क्या करे। इस टाइम मुझे डर भी लग रहा है कि बंदा यार रात को में जा रहा तो कोई भी यहाँ पर आना ही चाहता क्या। बेसिकली आपको पता है यार कि यहाँ पर रात के टाइम कोई उठता नहीं, फजर की नमाज लोग पढ़ते ही नहीं इतना, कुछ ने पढ़नी है तो चले जाता था। चलते हैं नमाज पढ़ने, भी मिलते हैं आपको नमाज के बाद। जी गाइस, मैं घर पहुंच चुका हूं और नमाज़ पढ़ी थी। मैंने नमाज़ के बाद मैंने दुआ मांगी, दुआ मांग के मैं घर पहुंच चुका हूं। अभी सुबह हो चुकी है, आप देख सकते हैं अभी सुबह थोड़ी हो चुकी है और मेरा दिल कर रहा है नाश्ता करने का। भूख बहुत लगी क्योंकि मैंने रात को 3 बजे का नाश्ता किया। तो अभी नाश्ता करती हैं और ये मेरी बाइक खड़ी है, इस बाइक पर जाएँगे। वो छोटे भाई की खड़ी है ब्लैक वाली, ये ऊपर वालों की खड़ी है जहाँ पर घर में हम रहते हैं। तो पहले मैं लोग करता था, मैंने बंद कर दिया। लोगों को पता होगा पहले मेरा घर कौन सा था, मैंने चेंज कर दिया घर। तो ये घर हमारा अब, और बाहर मेरी गाड़ी खड़ी है, मेरी नहीं हमारी, वो देखा था हमारी गाड़ी खड़ी है स्विफ्ट। दर्द कि लोगों को बताना चाहिए यार कि मिला के कुछ नमाज़ पढ़ो और मांग के तक तो आओ, दिन के तक तो आओ, क्योंकि क्या मत कुछ पता नहीं है। लोग तो कह रहे हैं क्या आने वाली है, कैसे जल्दी आ रही, क्योंकि मैं जल्दा आया 4 दफ़ा और चाइना में भी ये परसों आया मेरा ख्याल है, और सवाद में भी, गिलगित-बल्तिस्तान में, अज़रबैजान में भी आया जल्दा। तो खुदा का कोफर भी जल्दी अभी नहीं आ रही कि अजाब लोगों ने मर पर डाले। दुनिया गुनाह कर रही है तो फिर अजाब ना, ऐसा हो सकता है। ज़्यादा दीन की तरफ जाओ, दीन सीखो, मेरा तो यार आज बता के आपकी मर्ज़ी है। तो आज का मैंने नाश्ता करना, तकरीबन 40 साल दुकान पुरानी है तो वहाँ पर जाके नाश्ता करेंगे तो पता चलेगा कैसा टेस्ट है। मैंने सुना आटे वाली पूड़ी है उसकी और हलवा बहुत टेस्टी है यार, तो वहाँ पर जाके नाश्ता करेंगे। तो देखते हैं नाश्ता करते हैं, थोड़ी दिन चढ़ जाए थोड़ा बहुत, क्योंकि वो 8 बजे ओपन होती है अभी तो 7 बजे। तो फिर वहाँ पर जाके नाश्ता करते हैं, मिलते हैं वहाँ पर जाकर, तब कली बात। तो जी गाइस, मैं यहाँ पर पहुँच चुका हूँ, अभी बहुत रश है, मैंने देखा है यहाँ पर इतना रश नहीं होता है। तो यार अभी मैं 7 बजे आया हूँ तो इतना रश नहीं है, आप देख सकते हैं तो अभी इतना रश नहीं है, लोग अभी आते हैं जाते हैं। तो अभी स्टार्ट ही हुआ है थोड़ा बहुत, तो अभी पूरी लगा रही है, ट्राई करते हैं कैसे पूरी लगाते हैं, कितनी अगर पूरी लगा दी हम ट्राई करते हैं। जी गैस, पूरी लगा चुकी है तो देख सकते हैं, आटे की पूरी, आटे की पूरी, मज़े की आई हुए कहा चने हैं। तो ज़रूर आकर मैं रिकमेंड करूँगा, ज़रूर आकर हम जहाँ पर करेंगे, फ्री की प्रमोशन हो रही है तो मैं रिकमेंड करूँगा ज़रूर आके यहाँ पर ट्राई करें। तो आप ट्राई करके देखते हैं, और हाँ
हो जाएगी। लिटरली यार बहुत मज़ा आ गया, कमाल है। फिर एक ही प्रमोशन हो रही है, रिकमेंड करूँगा जरूर आके यहाँ पर ट्राई करें, बहुत मज़े की है। तो खा के मिलते हैं आपको। जी गाइस मेरे बैंड हो चुके, आई स्वयं मैं रिकमेंड करूँगा आपको जो खाने चाहिए। तो मिलते हैं आपको आगे जाके, चलते हैं यहाँ से। जी मैं सर अभी घर पहुँचा मैं, और आप देख सकते हैं वहाँ पे नारकली में पैसा भर रहा है। वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं पुराना हलवा पूरी वाला, तकरीबन 40 साल पुराना हलवा पूरी वाला। वहाँ पे जाके आप जरूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा आपको। उसके बाद मैं गया जेदा लस्सी वाला था, आपको पता है मशहूर है जेदा लस्सी वाला। उसके बाद गया, बहुत रश था, आप देखेंगे वीडियो में, जरूर देखना ब्लॉग में, आपको पता चलेगा बहुत रश था। क्योंकि ग्लास लगे हुए बढ़ बढ़ के दे रहे, टोकन में लेना पड़ता, टोकन में लाइन लगाना पड़ता। उसके बाद मैंने लस्सी पी, लस्सी पी के जो मज़ा आया ना यार, तो कहीं भी नहीं आया मुझे ना हलवा पूरी में। मुझे हलवा पूरी रिकमेंड करूँगा आपको, मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा। पी की प्रमोशन हो रही है, तो जाके आप ज़रूर हलवा पूरी ट्राई करें। मगर वो हलवा पूरी मैदे की नहीं थी, वो थी आटे की पूरी, बहुत छोटी थी, मैदे की होती थोड़ी बड़ी। जरूर जाकर ट्राई करें, हलवा भी बहुत अच्छा था उसका। कैसा वार जाएगा, उर्दा से कैसा भी आता है, और बानोवार गेट से भी आता है, और नारकली से भी आता है, और पैसावार से भी आता है। चारों रस्से वहाँ पर लगते हैं, जहाँ पे नियाणी वाला है, नासर नियाणी वाला है, वहाँ पर जाकर कैसा वार में हलवा पूरी वाला जाकर जरूर ट्राई करें। और इंशाल्लाह आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। उम्मीद है आपको जरूर ब्लॉग पसंद आएगा, और आज के ब्लॉग में हम यहाँ को खत्म करते हैं। और ज़्यादा से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और डोंट सब्सक्राइब फॉरगेट। ओके, तब के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। Thanks for you watching.